हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिवेत और अनाइका के ब्रेकअप के बारे में। देन कैसे जो अरबाज है वो सबसे झूठ बोल रहे हैं। देन हम लोग अपकमिंग एलिमिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टास्क विनर कौन होगा ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, अभी ऐसे लग रहा है कि सिवेत और अनाइका के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दोनों ने इंस्टाग्राम पे भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। एंड सिवेत ने जो भी पोस्ट वगैरह करी थी दोनों के लिए वो हटा ली हैं। उनके फैंस को काफ़ी बुरा लगा है एंड लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि उनके बीच में क्या हुआ है। हालांकि इस बारे में सिवेत और अनाइका की तरफ से कोई आंसर नहीं आया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो लोग मिलके कोई प्रैंक कर रहे हैं। तो गाइस, आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि दोनों का ब्रेकअप होगा या फिर दोनों प्रैंक कर रहे हैं? इसके अलावा अरबाज ने स्प्लिट्स वाला में पार्टिसिपेट करा है, पर करेंटली ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं। एंड स्प्लिट्स वाला का ये रूल है कि जो भी कमिटेड है वो नहीं जा सकते हैं शो में। कमिटेड तो छोड़ो, अरबाज तो मैरिड ही है। एंड ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ईजी है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। आप उनके इंस्टाग्राम को अच्छे से स्टॉक करोगे ना, तुरंत पता चल जाएगा। स्टिल शो मेकर्स ने उन्हें बुलाया एंड पार्टिसिपेट करने दिया। देन नेक्स्ट वाले डोम सेशन में ना डबल एलिमिनेशन हो सकता है, एक से ज़्यादा कंटेस्टेंट घर जा सकता है। जो मेन टारगेट है ना वो युवराज, अदित, निहारिका एंड आयुष्मान, इनके ऊपर बिल्ड हो सकता है। एंड हाई चांसेस है कि इन चारों में से कोई दो कंटेस्टेंट घर चले जाएं। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि किसे घर जाना चाहिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।